अब मेरे को खरीदना पड़ेगा यहाँ से. Apple pear. Okay. Yeah. मॉर्निंग देखो, सुबह देखो क्या खूबसूरत. तो ये हम लोग आ गए यहाँ की सब्जी मंडी बोल लो, और यहाँ पे आप लोगों को लोकल ठेले भी मिल जाएंगे. हम लोग जब भी सब्जी मंडी जाते हैं तो छटनी करके हम लोग लेते हैं, वैसे यहाँ पे छटनी हो रही है. तो आज यहाँ पे हम लोग आए हैं थोड़ा सा यहाँ के गाँव को घूमने. मैंने सोचा यार सब्जी मंडी दिखा दी तो थोड़ा सा यहाँ का गाँव एरिया भी दिखाई देते हैं. गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को से. आप लोगों ने देखा होगा पहले हम लोग थे लॉस एंजेलिस से हम लोग आ गए थे सैन फ्रांसिस्को, और अभी हम लोग हैं सैन फ्रांसिस्को में. और आज भी हम लोग सैन फ्रांसिस्को एक्सप्लोर करने वाले हैं. यहाँ पे क्या यार किसान बाजार होता है, जैसे फार्मर्स मार्केट होते हैं ना, तो वहाँ पे वेजिटेबल वगैरह सब्जी मंडी, मतलब एक तरह से अपने इंडिया में सब्जी मंडी होती है ना, वैसे ही होता है. तो हम लोग उस सब्जी मंडी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. देखता हूँ यार वहाँ पे कितने क्या प्राइसेज होते हैं यहाँ पे अमेरिका में. लेकिन जो सैन फ्रांसिस्को सिटी है ना यार, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. अभी ये यहाँ की पार्किंग है, ये यहाँ पे कोई शायद शॉपिंग मॉल लगता है मेरे को. तो ये यहाँ पे शॉपिंग मॉल की पार्किंग है, और यहाँ से थोड़ा सा आ गया आप लोगों को चल के यहाँ की सब्जी मंडी मिलेगी एक. तो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ यहाँ की सब्जी मंडी. लेकिन यहाँ सैन फ्रांसिस्को सिटी मैं कंपेयर करूँ अदर सिटीज से तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. क्लीन भी है, साफ़ सुथरा है, एकदम शांत है. अभी तक जिस एरिया में मैं घुमाऊँ ना, वो एरिया तो एटलीस्ट मेरे को काफ़ी पसंद आया यहाँ का सैन फ्रांसिस्को का. और सैन फ्रांसिस्को की बात बता दूँ, यहाँ पे क्या होता है कि यार हर साल ना कम से कम 1000 अर्थक्वेक आते हैं, छोटे माइनर आते हैं. सबसे बड़ा अर्थक्वेक मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि 1907 में आया था, 1907 में आया था. तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था इस सिटी को. और ये इधर देखो कि कौन सा है, इग्निशन कोई मॉल है या कुछ और है, शायद मुझे लगता है कि मॉल ही है, शायद मॉल ही है ऐसे लग रहा है मेरे को. ये यहाँ से जा रहा है यहाँ का हाईवे, ये सामने से यहाँ का कोई मेन रोड जा रहा है. यहाँ पे पता है सैन फ्रांसिस्को में इतना कंजेस्टेड नहीं बनाया चीज़ों को, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस देके सारी चीज़ें बनाई गई है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से. जैसे आप लोगों को और सिटीज़ मिलेगी ना, जैसे आप लोग चले जाओ वाशिंगटन डीसी चले जाओ या न्यूयॉर्क चले जाओ, न्यूयॉर्क सिटी तो बहुत कंजेस्टेड है यार, लेकिन ये वाला जो सैन फ्रांसिस्को सिटी है ये इतना ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है. हालांकि सामने आपको कुछ माउंटेंस वगैरह मिल जाएंगे. अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ की जो सब्जी मंडी है वहाँ पे, और वो उम्मा सामने देखो, उम्मा वीडियो बना रहा है अपना, और वो विहार भाई जा रहे हैं इधर. और मॉर्निंग देखो, सुबह देखो क्या खूबसूरत सुनहरी सुबह है भाई. इससे अच्छी सुबह मेरी अब तक नहीं हुई है अमेरिका में. भाई ये तो हर रोज़ अमेरिका में ना वही देखने पड़ते थे, यहाँ पे कोई ड्रग लेके घूम रहा है, कोई जॉम्बी बन के घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है. भाई कभी मेट्रो में धक्के खा रहे हैं, कोई सबवे इतना डेंजरस लगता है तो क्या ही बताएं उन सबवेज के बारे में. तो ये हम लोग आ गए हैं यहाँ की सब्जी मंडी बोल लो, और यहाँ पे आप लोगों को लोकल ठेले भी मिल जाएंगे. सामने देखो यार माउंटेंस कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल माउंटेंस दिख रहे हैं यार. ये यहाँ का हो गया फूड ट्रक. यहाँ की जो सड़कें देखी है ना मैंने सैन फ्रांसिस्को की, वो अभी तक मैंने दूसरी सिटीज़ की नहीं देखी है जैसे यहाँ पे. देखो मेरे को बहुत पसंद है यार कुल मिला के सैन फ्रांसिस्को सिटी. और ये इधर यहाँ के फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, और इधर है जो यहाँ पे कुछ शायद लोकल फूड के स्टॉल लगा रहे हैं, शायद मुझे ऐसे लग रहा है. हाँ लोकल फूड यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हैं. अभी सुबह के लगभग 9 बजे हैं, तो 9 बजे तो यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ. और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में रात के 9:30 बज रहे हैं. जिस टाइम आप सो रहे होते हो उस टाइम पर मैं जगता हूँ, जिस टाइम पर मैं जगता हूँ उस टाइम आप सो रहे होते हो. अराउंड 11 या 12 दिन हो गया है USA में आए हुए, लेकिन अभी भी ना वो टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, नींद अभी भी अस्त व्यस्त हो रही है मेरी. अभी देखो सुबह हो रखी है लेकिन मेरी आंखों में आप लोगों को नींद साफ देखने को मिल जाएगी. केटली पॉपकॉर्न, ये यहाँ पे भाई साहब पॉपकॉर्न बना रहे हैं. ये देखो सी साल्टेड पॉपकॉर्न टीजर $12 का, आप लोगों को बेसिक जो प्राइस है ना $12 से स्टार्ट हो रही है पॉपकॉर्न की. ये भाई साहब यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रहे हैं. वेजिटेबल मंडी थोड़ा सा आगे है, अभी आप लोगों को उधर ही लेके चल रहा हूँ वेजिटेबल मंडी की तरफ. यहाँ पे यह है जूस की दुकान. देखो बीट एंड ऑरेंज का जूस आप लोगों को $8 का मिलेगा, मिनिमम $8 या $7 का आप लोगों को यहाँ पे जूस मिलेगा. तो लगभग 600 रुपये से यहाँ पे जूस की स्टार्ट होती है, मिनिमम 600-700 रुपये से. तो यहाँ पे पता है लोकल लोग तो मुझे ऐसे लग रहा है कम ही है, ज़्यादातर उधर से लग रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से लग रहे हैं मेरे को ज़्यादा लोग. ये देखो यहाँ से ऑरेंज स्टार्ट होती है भाई $2.5 का एक LB. LB मतलब 1 किलो से कम होता है, यहाँ LBS में ही चलता है भाई, वेट ऐसे किलो में नहीं चलता है ना. तो आपको $2.5 का एक LB ऑरेंज मिलेगा. टमाटर देख लो आप लोगों को $3,
लगभग 245 रुपए में आपको एक एलबी टमाटर मिलेगा। एलबी और केजी कन्वर्ट करके आप लोगों को बता दूंगा स्क्रीन पे। $4 का एक एलबी मिलेगा, मतलब यहाँ पे महंगा तो है। ग्रेप्स देख लो, ग्रेप्स आप लोगों को $4 का एक एलबीएस मिलेगा। $4 वही 325 रुपए का आप लोगों को एक एलबीएस ग्रेप्स मिलेगा। $1.50 का एक एलबी वाटरमेलन मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे अनार आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे यार। $4 का एक एलबी अनार मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। यहाँ पे बेकरी की शॉप है और बेकरी की शॉप पे सुबह सुबह देखो कितनी लाइन लगी है। लोग यहाँ पे ब्रेड खरीदने के लिए या डोनट्स खरीदने के लिए लाइन लगा रखी है। लोगों ने इतनी बड़ी लाइन लगा रखी है यहाँ पे केवल डोनट्स और ब्रेड खरीदने के लिए लोगों ने सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मिलती है, ये लोग फ्रेश ब्रेड बेचते हैं यहाँ पे। जैसे अपन लोग जाते हैं ना यार इंडिया में सुबह सुबह सब्जी मंडी जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ का काइंड ऑफ सब्जी मंडी है, फार्मर्स बाजार यहाँ पे बोलते हैं इसको। $15 का एक एलबी लीची है शायद मिक्स मैच। $15 का मेरे हिसाब से एक पैकेट है, $15 का एक पैकेट है मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही है। ये एक पैकेट आप लोगों को $13 का मिलेगा, $13। और ये बड़ा वाला जो पैकेट है शायद $20 का आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे आ जाती है भाई हरी सब्जियाँ। यहाँ पे आप लोगों को कॉर्न भी मिल जाएगा, मक्का, शिमला मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, येलो मिर्च हो गई। प्राइस तो इन लोगों ने लिखी नहीं है वैसे। यहाँ पे धनिया हो गया, वो प्याज हो गया, गाजर हो गई, खीरे हो गए, और ये क्या है, बीट रूट हो गया। बीट रूट ये अपने खीरे, वो देसी वाले खीरे, बैंगन हो गए, टमाटर, ये इधर गोभी हो गई, ब्रोकली, कैबेज वगैरह वो उधर हो गई है। ये एकमात्र ऐसा ठेला मिला है जहाँ पे इन्होंने लिखा है भाई ऑर्गेनिक है सब कुछ, वी ग्रो व्हाट वी सेल। तो ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये सारा का सारा यहाँ पे आप लोगों को ऑर्गेनिक देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक लग ही रहा है यार ये, देखो देखने से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक लगता है। अमेरिका की सब्जी मंडी देख लो आप लोग भी, ऐसी होती है अमेरिका की सब्जी मंडियाँ। इधर आप लोगों को मशरूम मिल जाएगा, वाह यार मशरूम का क्वालिटी देखो आप लोग एक बार। और तुरई देखो यार भाई, तुरई देखो कितनी बड़ी बड़ी तुरई है। ये वाला कौन सा है ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया भाई, आप लोगों में से किसी को पता हो ना, तुरई टाइप का ही लग रहा है लेकिन तुरई होगी यार। इधर भी तुरई है, इधर भी तुरई है, गिलोई बोलते हैं हम लोग इसको शायद, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पे ये गिल्ली वाली मूंगफली मिल रही है, और ये इधर मिल रहे हैं बेर। बेर अपने इंडिया से थोड़े से अलग है, जैसे हमारे राजस्थान में होते हैं ना उससे तो काफ़ी अलग है। और यहाँ पे लोग छांट रहे हैं, वो अपने इंडिया में होती है ना छटनी, हम लोग जब भी सब्जी मंडी जाते हैं तो छटनी करके हम लोग लेते हैं, वैसे यहाँ पे छटनी हो रही है। यार आप लोग तो ये बताना मेरे को, आपने इंडिया में कभी ये छोटे वाले टमाटर देखे हैं क्या? मैंने हमारे राजस्थान में कभी भी छोटे वाले टमाटर नहीं देखे, इतने बड़े बड़े तो देखे होंगे लेकिन ये छोटे वाले टमाटर मैंने कभी नहीं देखे, बाहर ही देखे मैंने। यदि इंडिया के किसी भी स्टेट में ऐसे छोटे वाले टमाटर होते हो तो आप लोग एक बार मेरे को कमेंट करके बताना भाई हमारे यहाँ पे छोटे वाले टमाटर होते हैं। लेकिन जो भी आप लोगों को यहाँ पे सामान देखने को मिलेगा ना, सब्जी वगैरह जो भी देखने को मिलेगी एकदम आप लोगों को यहाँ पे फ्रेश देखने को मिलेगी। ये सही है यार, ये जो पत्ते खाते हैं ना चाइना में, मैंने देखा था चाइना के लोग भी ज़्यादातर अपनी वेजिटेबल वगैरह होते हैं ना, या वो जो वो नूडल्स वगैरह होते हैं ना उनमें काफ़ी सारे ग्रीन लीव्स वगैरह, ग्रीन पत्ते यूज करते हैं वो लोग। CCOF सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, यहाँ पे बोर्ड और लगा रखा है कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। जिस जिस भी शॉप पे आप लोगों को ऑर्गेनिक फूड मिलेगा ना, या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलेगी या फ्रूट मिलेंगे, उन्होंने सब ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं कि यस वी आर CCOF सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। वापस आएंगे इधर एक बार, मैं सोच रहा हूँ जो ये सब्जी मंडी है ना इसके आसपास कैसा क्या नज़ारे हैं भाई, वो भी आप लोगों को दिखाई दूँ कि कैसी जगह पे यहाँ की सब्जी मंडी होती है। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है जहाँ पे सब्जी मंडी होती है ना वहाँ एकदम कचड़ा वचड़ा पड़ा रहता है, मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसा ही होता है, भले ही कहीं भी चले जाओ। और यहाँ पे देखो वो अभी आप लोगों को दिखा रहा था, वो था उधर वेजिटेबल मंडी का किसान बाजार। और इधर यहाँ पे इन्होंने अच्छी सड़कें बना रखी है, और सड़कों के बीच में जो जगह दे रखी है ना उसको भी अच्छे से यूज़ किया हुआ है, ग्रीनरी वगैरह ये कुछ लगा रखा है। इसको क्या बोलते हैं यार इस वाली घास को, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वाली घास को, कुछ बोलते हैं नाम होता है इस वाली घास का कुछ अलग से। और ये है यहाँ का कोई शॉपिंग मॉल, और वो उधर हो गया यहाँ का वेजिटेबल मार्केट या किसान बाजार बोल लो आप लोग। Everything is made at the farm. Farm. Uh-huh. Okay, so good. Garlic. Is it garlic flavored as it tastes? यहाँ पे आप लोगों को दही मिल जाएगा जो कि यहाँ के फार्म से सीधा बन के यहाँ पे आता है, नेचुरल ऑर्गेनिक दही। These are $9 and $14. $9 and $14, right?
यहाँ का लोकल दही है जो यहाँ की फार्म से सीधा बन के यहाँ पे आता है, और इसका प्राइस है एक इसका $9 है, उसका $14 है। $9 वही हो गया लगभग 750 इंडियन रुपीज का। वी एक्सेप्ट ऑल कार्ड्स। आपने पता है कार्ड वार्ड का झंझट ही खत्म है भाई, अपने सीधा UPI करो, फोन से पेमेंट करो। ये वाला मेरे को इंडिया का सबसे बेस्ट लगता है भाई, UPI का। तो UPI वाला जो सिस्टम है ना भाई, वो पूरी दुनिया को उसने हैरान करके रख दिया। QR कोड स्कैन करो और पूरी इंडिया में कहीं भी पेमेंट करो, बस कार्ड वगैरह कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। और पता है $1 फी फॉर यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। यदि आप लोग कुछ भी यहाँ पे $3 का या $15 का जो भी है ना, देखो $6 का, यदि $6 का भी आप लोग परचेज कर रहे हैं तो आप लोगों को $1 तो फीस देना पड़ेगा। तो ये वाला सिस्टम ना मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा कुल मिला के कहूँ तो। अपने UPI का सिस्टम भाई इस मामले में बहुत बढ़िया है। और देखो यहाँ पे $15 का कॉम्बो मिलेगा, मतलब एक जो ये है ना, तीन है ना, तीन आप लोगों को $15 का मिलेगा। आई जस्ट केम हियर टू मेक वीडियो अबाउट दिस, सो दीज आर ऑर्गेनिक, ऑल आर ऑर्गेनिक। आई डोंट हैव ऑर्गेनिक टुडे, बट वी हैव नॉन स्प्रेड, नो पेस्टिसाइड्स, बट ओके ओके ओके, दिस इज रेगुलर। ओके, दिस इज दीज आर रेगुलर, नो नॉट ऑर्गेनिक। Yeah, not organic. Okay, not okay. Today. तो ये भाई पहले ही बता देते हैं, यदि आप लोग यहाँ पे पूछो ना भाई ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो ये बता देंगे भाई ये रेगुलर है, ऑर्गेनिक नहीं है। आज हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है, आज हमारे पास रेगुलर है। आई एम अ यूट्यूबर, आई जस्ट केम हियर टू मेक वीडियो। तो ये मोहतरमा यार मेरे को ट्राई करने के लिए दे रही, मैंने इसको बोला कि मैं यहाँ पे केवल वीडियो बनाने आया हूँ, तो फिर भी बोला कि कोई ना आप ट्राई कर सकते हैं। यू आर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को? No, San Ramon, here. Okay. Yeah, I like. You like it? Tasty. Yeah, yeah, I like. Apple pear. Yeah, mm-hmm. Only $4 a pound. And did he try the pink pearl? Is it really? So मेरे को बोल रही है try करने के लिए, पता है अब मेरे को खरीदना पड़ेगा यहाँ से। इन्होंने बोला, मैंने बोला वीडियो बना रहा हूँ मैं, खरीदने नहीं आया, तो इन्होंने बोला टेस्ट कर लो, फिर टेस्ट करने के बाद मुझे प्राइस बता देंगे कि $4 पर पाउंड है। तो मतलब प्राइस बता रहे हैं ना, तो भाई ये मतलब वो टेक्निक होती है बेचने की है ना, तो अब मेरे को खरीदना भी पड़ेगा यहाँ से $4 का एक पाउंड। हाउ मच वॉट दिस वन? $4 वन पर पाउंड। ओके ओके, ये तो टेस्ट करवाए जा रहे। डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स? ओके, टेस्टी तो यार सारे के सारे फ्रूट है ना, टेस्ट करवा के ना मेरे को। Only $1. Three more. Okay. Yeah. Three different. Yeah, you mix and match. Okay, mix and match. Please give me good one. Apple pear. Very okay. Good. Yeah. That's the first one you tried. Yeah. Okay. And then, did you like the pink pearl? Yeah, like the pink pearl. Okay. Just one. देखो भाई मेरे को खरीदना पड़ गया यहाँ से, मैं बोल रहा था ना। ऐसा होता है कभी कभी, आप मना नहीं कर सकते, टेस्ट कर लिया ना तो फिर लेना पड़ जाता है। अब मैंने टेस्ट किया तो मैं मना नहीं कर पाया, यदि कोई आदमी होता तो भाई मना कर देता, लेकिन आप लोग समझते हो अपोजिट जेंडर होता है ना, तो आदमी मना नहीं करता शर्मा शर्मी में तो इसलिए भाई मना करना मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बाकी मेरे को नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से परचेज कर लिया है। ये वाला चार फ्रूट अलग अलग मैंने लिए हैं, नाम तो मेरे को भी नहीं पता, उन्होंने मेरे को टेस्ट करवाए और जो मेरे को अच्छे लगे वो वाले मैंने बता दिए, भाई मेरे को ये चार फ्रूट दे दो बस। शहद मिल जाएगा और इसका सैंपल भी इन लोगों ने लगा रखा है, और ये यहाँ पे शहद भी आप लोगों को ऑर्गेनिक शहद मिलेगा यहाँ पे। हाय, हेलो, या जस्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियो, आर यू ओके? ओके ओके। अच्छा, लेबल लगा रहे हैं इन पे, इनकी प्राइस वगैरह या इनकी जो भी कंपनी वगैरह का जो भी लेबल होता है वो यहाँ पे लेबल लगा रहे हैं। हाउ मच फॉर दिस वन? $12 $23 ओके। ये जो छोटा वाला पैकेट है ये है $12 का, और ये जो बड़ा वाला पैकेट है ये है $23 का, ₹1900 के लगभग हो जाता है $23। ऐसी होती है अमेरिका की सब्जी मंडियाँ। तो अब चलते हैं सब्जी मंडी से, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं सब्जी मंडी का। सुबह हम लोग आए थे तब यहाँ पे बहुत कम भीड़ था, वो इसलिए कि यहाँ पे जब मार्केट शुरू ही हो रहा था, लेकिन अब देखो यार यहाँ पे भाई सब्जी मंडी की रौनक ही अलग है। अब भीड़ तो अपने इंडिया जैसी ही है, लेकिन वो साफ़ सुथरे या सफाई के मामले में यार मतलब नेक्स्ट लेवल है। और इधर यहाँ के लोकल ठेले वगैरह अब खुलने लग गए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर में यहाँ पे और अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ भड़ाका होने लगेगा। काफ़ी इंडियन से मिला हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन वही है यार वो प्राइवेसी की वजह से ना मैं सीधा जाके मुंह पे कैमरा नहीं कर देता, कई लोग तो सीधा कर देते, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि यार सामने वाले बंदे की प्राइवेसी वगैरह है,
जाते ही मान लो पहली बार मिल रहे हो और कैमरा ओपन करके आए, लुक करने लगू तो सामने वाले को भी अजीब सा लगता है, मेरे को भी अजीब सा लगता है। वही सोचता हूँ, मेरे मन में वही रहता है कि यार सामने वाला बंदा क्या फील करेगा, थोड़ा अजीब सा फील करेगा। और आप लोग कैमरा खोलते हो तो यार वो बंदा फिर ढंग से बात भी नहीं कर पाएगा, ना ही ढंग से आप लोग बात कर पाओगे। बस कैमरा में तो वही है कि आप यूट्यूब के पर्पज से वीडियो बनाते हो। यहाँ पे सैंपल दे रहा है भाई, अभी मैं सैंपल लेके आया ना, अभी यहाँ पे कोई लड़की होती ना, मैं सैंपल का ये खरीदता शर्मा शर्मी में, वो लड़का था इसलिए मैं सैंपल लेके आ गया। फ्री सैंपल दे रहा है यार सबको, खरीद कोई नहीं रहा। अब यहाँ पे कोई लड़की इतनी देर में फ्री सैंपल देती तो चार पांच लोगों को बेच भी चुकी होती। यहाँ भी आप लोगों को फ्री सैंपल देखने को मिल जाएगा, ये सारे के सारे फ्री सैंपल्स हैं। इस भाई का सिस्टम सबसे अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे मिडिल ईस्ट का जो भी खाना है ना, वो ब्रेड वगैरह या फलाफेल वगैरह ऐसा ही कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जो मिडिल ईस्ट का खाना है। यहाँ से आप लोग फ्री सैंपल लेके खुद से ट्राई कर सकते हैं, वही है मिडिल ईस्ट फूड मिलेगा इस पे आप लोगों को। मोरक्को हो गया और भी वो सारी की सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है ना। अमेरिका में एक चीज है, आप लोगों को ऐसे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए सब जगह मिल जाएंगे, पुलिस भी कुछ नहीं करती यहाँ पे, किसी भी गले में ये लोग अपने इक्विपमेंट्स लगा के और ऐसे परफॉर्म करने लगते हैं। अपने में क्या होता है कि जैसे पुलिस आके यहाँ पे और भाई भगाने लगती है। वापस से पार्किंग साइड में आ गए हम लोग और यहाँ से अब किसी दूसरी जगह जाएंगे, देखते हैं कुछ हुआ तो दिखाऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए, ये है इडली एक्सप्रेस, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं खाना पीना। नॉर्थ इंडियन खिचड़ी खाना शेक ही होगा, यहाँ पे हम लोग खाना खाने आए हैं। ये पोंगल खिचड़ी वालों, खिचड़ी टाइप का होता है ये, खिचड़ी हो गया सबको मिक्स करके खाना होता है, तमिलनाडु स्पेशल। तो ये तमिलनाडु का स्पेशल फूड है और टेस्ट जो सब्जी वगैरह है ना उनका टेस्ट मेरे को ऐसे इंडियन जैसा ही लग रहा है, टेस्टी है एकदम। मैं आप लोगों को दिखाने गया था यहाँ की सब्जी मंडी की, अमेरिका की सब्जी मंडी या फार्मर्स बाजार कैसे होते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाई थी ऑर्गेनिक सब्जी, यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जी थी उस सब्जी मंडी में। तो आज यहाँ पे हम लोग आए हैं थोड़ा सा यहाँ के गांव को घूमने, मैंने सोचा यार सब्जी मंडी दिखा दी तो थोड़ा सा यहाँ का गाँव एरिया भी दिखाई देते हैं इसी वीडियो में। तो कल तो हम आ नहीं पाए थे यहाँ पे और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, कोई वो है वैन यार्ड है, यहाँ पे सारे के सारे आप लोगों को ग्रेप्स ट्रीज मिलेंगे और यहाँ पे वाइन भी बनाई जाती है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का खेत खलियान दिखा देता हूँ, ब्यूटीफुल नज़ारे हैं चारों तरफ के, आप लोगों को ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। इधर कोई गार्डन बनाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे बैठ के, और मस्त आराम से आप लोग वाइन वगैरह पी सकते हो भाई। और ये आप लोगों को जो पेड़ दिख रहे हैं ये है ग्रेप्स, अंगूर के पेड़ हैं, यहाँ पे वाइन बनाई जाती है। यहाँ पे जितने भी खेत हैं ना यार, खेतों के चारों तरफ ना यहाँ पे फेंसिंग कर रखी है, मेरे को ये लॉजिक समझ में आया नहीं कि भाई फेंसिंग क्यों कर रखी है। यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि कोई जंगली जानवर वगैरह या गाय भैंस वगैरह आती होगी। तो ये देख लो भाई अमेरिका के खेत कुछ ऐसे होते हैं। हालांकि यदि मौका मिला ना तो कोई जैसे ज़्यादा ही रिमोट में गांव होते हैं ना, वैसे गांव को भी मैं घूमने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पे जो उमा की फ्रेंड है विहार भाई, वही हमें घुमा रहे हैं। तो सैन फ्रांसिस्को से काफ़ी बाहर जाके और ये गाँव है, गाँव तो नहीं कह सकता यार, यहाँ पर ये मान के चलो कि फार्म हाउस टाइप के बना रखे हैं लोगों ने और यहाँ पे अंगूर की खेती की जाती है। सामने माउंटेन्स है जो पूरे भूरी घास से ढके हुए हैं, मतलब घास सूख गई है और वो भूरे कलर में हो गई है, और जो माउंटेन्स का व्यू दिख रहा है ना वो क्या जबरदस्त दिख रहा है। और यहाँ पे देखो यार कितने अंगूर आ रखे हैं भाई, काफ़ी अंगूर आ रखे हैं यार, खा लेते हैं एक आध अंगूर तोड़ के। कोई आके कुछ बोल ना दे भाई, मैं तो ऐसे ही तोड़ के खा रहा हूँ यहाँ पे भाई, बहुत मीठा है यार। कितने अंगूर आ रखे हैं, छोटे छोटे अंगूर हैं, छोटे छोटे अंगूर हैं। और उधर आप लोगों को कुछ घर भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इन लोगों ने गार्डन भी बनाया हुआ है एक। यहाँ से रिवर जा रही है या कोई छोटा सा ऐसे पॉन्ड टाइप का बना रखा है, पॉन्ड बना रखा है, गोल्फ खेलने के लिए है यार ये, मैं सोच रहा था ये ऐसे ही है, ये गोल्फ खेलने के लिए बना रखा है भाई लोगों ने यहाँ पे। भाई किसी ने फार्म हाउस बनाया है ना, क्या जबरदस्त फार्म हाउस बना रखा है।
इधर अपने बैठने के लिए, उधर देखो माउंटेन्स का व्यू, क्या जबरदस्त जगह पे फार्म हाउस बनाया है भाई ने। और अब चलते हैं, उमा है जो उधर कहीं ड्रोन शॉट ले रहा है ड्रोन उड़ा के, तो अभी मैं उधर ही जाने वाला हूँ उमा की तरफ। ये अंगूर सूख कैसे गए भाई इतनी जल्दी? मैं यहाँ से अंगूर तोड़ तोड़ के खा तो रहा हूँ, कहीं कोई आ नहीं जाए ऐसे ही यहाँ पे। पता नहीं भाई लोग कैसे होते हैं, अपने तो क्या है कि चल खा लिया तो खा लिया भाई, कोई बात नहीं, ले खा लिया, ले मैं बांध भी रहा हूँ घर पे भी ले जा, ऐसे होता है अपने तो। और अब इधर से मैं वापस चलता हूँ उधर, सामने देखो यार माउंटेन्स का क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है। वो देखो उमा ड्रोन फ्लाई कर रहा है यहाँ से। ड्रोन फार्म हाउस में गाड़ियां देखो आप तो, यहाँ की कितनी गाड़ियां खड़ी होती है। जब मैं वहां से लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को आया था तो रास्ते में आप लोगों को बहुत सारे खेत और फार्म हाउस दिखाए थे, वहां भी भाई खेतों में ऐसे लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। यहाँ पे देखो फार्म हाउस तक रोड आ रहा है और इधर इन लोगों ने खाली जगह छोड़ रखी है और इधर पार्किंग बना रखी है, तो फार्म हाउस में देखो गाड़ियां कितनी ज्यादा है। तो अब इस वीडियो को तो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Thank you.